तो अनेक सारा समाचार राजकोट शहर थी पण सामे आवी रह्या छे। अहींया पण जे प्रकारे संक्रमण वधी रह्यू छे तेने जोता एसएनके स्कूल में कोविड सेंटर की शुरुआत करवामां आवी छे, जेमां बाप्स एंड बिल्डर एसोसिएशन द्वारा आ शुरुआत करवामां आवी छे। एसएनके स्कूल में जो ऑक्सिजन प्लांट पण बनाववामां आव्यो छे, एक पण रूपया लीधा वना आ सारवार शुरू करवामां आवी। 200 बेड नू कोविड सेंटर शुरू करवामां आव्यु छे अने तबक्कावार 500 बेड पण उभा कराशे। મનીષભાઈ તમે કઈ કહેવા માંગો? ઓકે મહત્વનું છે, જે પ્રકારે કોરોનાના કેસો વધતા જ નજરે પડી રહ્યા છે તેને જોતા હવે રાજકોટ શહેરની તો જો ખાસ વાત કરવામાં આવે તો અહીંયા તો કોરોનાનું સંક્રમણ દિવસે ને દિવસે વધતું જે નજરે પડે છે। ત્યારે રાજકોટની એસએનકે સ્કૂલમાં કોવિડ સેન્ટરની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જેમાં બીએપીએસ અને બિલ્ડર એસોસિએશન દ્વારા આ શરૂઆત કરવામાં આવી છે। રાજકોટ માટેની એક સારામાં સારી પહેલ છે। સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રવાસીઓ અને રાજકોટના આંગણે આવી એક બેનમૂન હોસ્પિટલ विना मूल्य आपवामां आवी ए बदल पहली वक्त एवं बन्यु छे के राजकोट चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन साथे मळीने एक आ सारो विचार रजू कर्यो छे। सौथी मजानी वात ई छे के एक पण रूपियो लीधा वगर दर्दीने सारामां सारी सुविधा मळे अने अहींथी एक आनंदनो हस्करो लईने जाय ए अमारी नेम छे। कोई पण रूपियो लीधा वगर सारामां सारी अमे सुविधा प्रोवाइड करशुं। ज्यारे आपणी सामे आफत आवेली छे त्यारे एने अवसरमां बदलवानी सौ एसोसिएशन ने चेम्बरे भीड़ू झड़पू है, त्यारे आप सौना साथ ने सहकार थी अहीं आवेलो दरेक पेशंट सारी रीते सारी भावना थी सारी बात लईने जासे एवी अमारी नम्र अपील छे। तो राजकोटनी एसएनके स्कूलमां कोविड सेंटरनी शुरुआत करवामां आवी, जेमां 200 बेडनुं कोविड सेंटर शुरू करवामां आव्युं अने तबक्कावार 500 बेड पण उपलब्ध अहींया करवामां आवशे।